दोस्तों, आपने सी वर्ल्ड में ऑर्कास को लोगों का मनोरंजन करते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन क्या हो अगर इन पालतू ऑर्कास को समंदर में छोड़ दिया जाए? क्या वो सरवाइव कर पाएगा? आइए जानते हैं। साल 2002 में केको नाम के कैप्टिव ऑर्का को समंदर में छोड़ दिया जाता है, क्योंकि मेक्सिको के एक मैरिन पार्क में रहने वाले केको के ऊपर फ्री विली नाम की एक फिल्म बनी थी, जिससे वो इतना ज्यादा फेमस हो गया कि दुनिया भर के लोगों ने उसे फ्री करने की मांग उठाई। लोगों को लगा उसे छोड़ देने से उसकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, लेकिन जैसा लोगों ने सोचा था उसका ठीक उल्टा हुआ, क्योंकि बचपन से केको कैप्टिविटी में रहने के कारण इंसानों के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गया कि दूसरे किसी वाइल्ड ऑर्का पोर्ट के साथ इंटीग्रेट हो ही नहीं पाया, और 5 साल बाद एक बीमारी के चलते उसकी मौत हो गई। ऐसे में कुछ लोगों ने इस प्रोजेक्ट को बहुत ही बड़ी फेलियर बताई। उनका मानना था अगर कैप्टिविटी में उसे रखा जाता तो शायद और भी कई सालों तक वो जिंदा रहता। वही कुछ लोगों का ये कहना था 5 साल की आजादी की जिंदगी 50 साल की गुलामी से कई गुना बेहतर है। तो दोस्तों, केको के कहानी के आधार पर अभी आप ही बताइए, क्या किसी कैप्टिव ऑर्का को समंदर में छोड़ना चाहिए?